Hello friends, welcome to Gates Measure. The topic is three level of abstraction in DBMS या जिसको हम बोलते हैं three schema architecture. इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले I just want to request you all and specially जो मेरी वीडियो first time देख रहे हैं to please subscribe my channel, please share with your friends and please press the bell button to get the latest notifications. तो इस वीडियो से हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं कि what is three schema architecture and why it is used. थ्री स्कीमा का मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है. तीन स्कीमा है. स्कीमा मतलब सबसे पहले तो हम इस वर्ड को समझते हैं. व्हाट इज अ स्कीमा? स्कीमा मींस स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर मींस जिस डेटा को हम स्टोर कर रहे हैं, मतलब वो डेटा कोई भी स्टूडेंट का डेटा है, फैकल्टी का डेटा है, रेलवेज का डेटा है, या फ्लिपकार्ट अमेजोन हमारा डेटा सेव कर रहे हैं, जो भी डेटा स्टोर कर रहे हैं हम, उस डेटा को स्टोर करने के लिए स्ट्रक्चर क्या है. स्ट्रक्चर मतलब जैसे कोई भी डेटा है, अगर मेरे पास एक डेटा है 1A20, अब इस डेटा को मतलब कोई रोल नंबर है 1, नेम है A, एज है 20, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग. अब इस डेटा को सेव करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इसको एक टेबल में डाल दिया. टेबल में मतलब एक टू डिमेंशनल टेबल में डाल दिया, जहां पे इस तरफ जो है मेरे पास कॉलम्स हैं, जैसे यहां पे मैंने लिख दिया रोल नंबर, नेम एंड एज, और यहां पे मेरी रो है. मतलब हम रिलेशनल डेटाबेस की बात, जो मैंने ऑलरेडी पहले आपको बताया हुआ है कि जहां पे हम डेटा को स्टोर करते हैं टेबल की फॉर्म में. तो यहां पे स्कीमा क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, टेबल. और उस स्ट्रक्चर में आता क्या है, कॉलम्स आते हैं, रोज आती हैं. कॉलम्स में क्या है, रोल नंबर. तो रोल नंबर एक्चुअल में क्या है, रोल नंबर इज अ इंटीजर. तो इंटीजर का साइज कितना है, 2 byte है, 4 byte है. मतलब जो भी हम स्ट्रक्चर के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, दैट स्ट्रक्चर इज एक्चुअली नोन एज स्कीमा. अब ये जो यहां पे तीन लेवल है, एक्सटर्नल स्कीमा या एक्सटर्नल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल या कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, फिजिकल लेवल या फिजिकल स्कीमा, या जिसको हम इंटरनल लेवल भी बोलते हैं. अब ये तीन लेवल यहां पे क्यों बनाए हैं, एक्चुअल में 1970 में ये कॉन्सेप्ट आया थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर का. इस आर्किटेक्चर का मेन मोटिव क्या है, डेटा इंडिपेंडेंस. डेटा इंडिपेंडेंस मींस यूजर और डेटा आपस में डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करने चाहिए. मतलब यूजर को ये नहीं पता होना चाहिए कि डेटा जो है कहां पे स्टोर है. यूजर और डेटा ऑल्दो आपस में रिलेटेड है, क्योंकि यूजर का ही तो डेटा है, यूजर जब चाहेगा उस डेटा को कॉल करेगा, लेकिन वो डेटा कहां पे स्टोर है, कैसे स्टोर की है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम यूजर से क्या रख रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट. इसको हम बोल रहे हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन. मतलब यूजर को पता है कि मेरा डेटा कहीं ना कहीं स्टोर है, लेकिन कहां स्टोर है, कैसे स्टोर है, ये चीज हम यूजर को हाइड कर रहे हैं. यूजर से हम ये चीज हाइड कर रहे हैं. ये अगर आप यूज कर रहे हो, आप सबसे मेन एग्जांपल है इसका जीमेल. हम सब लोग जीमेल को यूज कर रहे हैं. जीमेल में हमारी मेल्स है, उसमें हम फोटोज भी रखते हैं, उसमें हम इंपॉर्टेंट डेटा भी रखते हैं, लेकिन वो मेल्स एक्चुअल में कहाँ स्टोर है, फिजिकली आपको पता है कि कहाँ पे स्टोर है, दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, बेंगलोर में, यूएसए में, यूके में, कहाँ स्टोर है, हमें उसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता. मतलब फाइल्स में स्टोर है, क्या फॉर्मेट है, ये चीजें हम जो है यूजर से हाइड रखते हैं. उस चीज को रखने के लिए हमने तीन लेवल बीच में बनाए, मतलब यूजर और डेटा. ये है डेटाबेस जहां पे सारा का सारा डेटा फिजिकली पड़ा है, और ये है यूजर. यूजर मतलब हम लोग. अब ये यूजर और डेटा के बीच में तीन लेवल बना दिए. इसका मेन मोटिव क्या है, डेटा को इंडिपेंडेंट, मतलब डेटा इंडिपेंडेंस, ताकि यूजर को हम एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड कर सकें. अब सबसे पहले जाता है मेरा एक्सटर्नल स्कीमा. व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ, व्हाट इज द यूज ऑफ एक्सटर्नल स्कीमा. इसको हम व्यू लेवल भी बोलते हैं. मैंने ऑलरेडी यहां पे मेंशन किया हुआ है व्यू लेवल. व्यू लेवल मतलब कि यूजर को डेटा कैसे दिखाना है, यूजर को डेटा कैसे रिप्रेजेंट करना है, वो इस लेवल का काम है. ऑल्दो ये थ्योरेटिकल मॉडल है, लेकिन कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल मॉडल के ऊपर ही प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं. मतलब आज के टाइम पे जितनी भी वेब एप्लीकेशंस बन रही हैं या मोबाइल एप्लीकेशंस बन रही हैं, मैं नहीं कह रहा कि वो डायरेक्ट इसी के ऊपर बेस्ड है, बट यस 1970 में एक कॉन्सेप्ट आया, इसके बाद बहुत सारी रिफाइनमेंट्स हुई, लेकिन आज के टाइम पे जितनी भी वेब एप्लीकेशंस को हम यूज कर रहे हैं मेजर, उनके बैकएंड पे कहीं ना कहीं इन स्कीमास को, इन कॉन्सेप्ट को यूज किया हुआ है. तो वही पॉइंट मैं यहां पे बता रहा हूं. इसको मैं एक सिंपल से एग्जांपल से अगर बताऊं,
यूनिवर्सिटी का अगर मैनेजमेंट सिस्टम है यूनिवर्सिटी के अंदर, लाइक मैंने अगर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया तो वहां पे मेरा लॉगिन आईडी पासवर्ड बना हुआ है। अब उस लॉगिन आईडी पासवर्ड को जब मैं फिल करता हूं तो मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन शो होती है, मेरे मार्क्स, मेरी अटेंडेंस, मेरी फीस का स्ट्रक्चर, मैंने कितनी पेमेंट की है, मतलब ये सारा क्या है, एक व्यू है। दैट व्यू विल बी गिवन टू द यूजर। बट क्या ये व्यू सारे लोगों का सेम होगा? नहीं। अगर सारे यूजर्स का व्यू सेम होता तो मेरे को यहां पे अलग अलग व्यू बनाने की जरूरत नहीं थी, एक व्यू से ही काम चल जाता। लेकिन अगर यही मैं बात करूं फैकल्टी, उसी यूनिवर्सिटी में फैकल्टी, तो फैकल्टी भी अटेंडेंस देख रहे हैं, फैकल्टी भी अपने मार्क्स देख रहे हैं? नहीं। जो स्टूडेंट है उनका अपना व्यू है, फैकल्टी का अपना व्यू। हाँ, फैकल्टी क्या कर सकते हैं, मार्क्स एंटर कर सकते हैं, स्टूडेंट की अटेंडेंस लगा सकते हैं, खुद लीव अप्लाई कर सकते हैं, खुद की सैलरी चेक कर सकते हैं, खुद की डिटेल जो है वो चेक कर सकते हैं। लेकिन क्या वही डिटेल स्टूडेंट चेक कर सकता है? नहीं। तो उस चीज को हमने रोकने के लिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या किया, हमने व्यू बना दिया। तो ये व्यू किसका है? स्टूडेंट का, जिसमें कुछ ऑथराइजेशन, अगर मैं टेक्निकल टर्म में बोलूं तो ऑथराइजेशन, मतलब हमने कुछ उसको ऑथराइज कर दिया कि तू ये भी देख सकता है, ये भी देख सकता है, कुछ चीजें तू रीड कर सकता है, लेकिन कुछ चीजें अपडेट नहीं कर सकता। जैसे जो मार्क्स मैंने लगाए वो अपडेट वो नहीं कर सकता, सिर्फ देख सकता है। तो ये है स्टूडेंट का व्यू। ऐसी एक व्यू हो जाएगा फैकल्टी का, फैकल्टी के पास अपनी ऑथराइजेशन है। ऐसी अगर डीन है तो उनका अपना एक व्यू बन जाएगा, क्योंकि डीन के पास और ज्यादा ऑथराइजेशंस हैं। तो हमने एक्चुअल में क्या किया, सबको अपना अपना व्यू जो है वो प्रोवाइड कर दिया। आज के टाइम पे जितनी भी आप एप्लीकेशंस को यूज कर रहे हो उनमें भी क्या है, व्यू। एक जो नॉर्मल व्यू है जो हम नॉर्मल यूजर्स के लिए, एक व्यू होता है एडमिन, मतलब जो एडमिन, वो जो डेटाबेस का भी एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, नेटवर्क का एक अलग से एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, वहां पे अलग अलग जो है वो जो प्रोफाइल, मतलब जॉब प्रोफाइल्स है उनके लिए अलग अलग जो है वो व्यू हो सकते हैं। तो इस एग्जांपल में स्टूडेंट का अपना व्यू, फैकल्टी का अपना, डीन का अपना व्यू। ये व्यू मेरे को सिर्फ हेल्प कर रहा है कि क्या डेटा मैं देख पा रहा हूँ। मतलब मैंने जैसे ही अपना लैपटॉप ऑन किया, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के जो मेरे पास URL है उसमें लॉगिन और पासवर्ड डाला, तो पहले फ्रंट पेज पे क्या आ रहा है, दैट फ्रंट पेज इज एक्चुअली अ व्यू। या आपको अगर मैं बताऊं तो आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, लाइक फ्लिपकार्ट या अमेजोन यूज कर रहे हो, उसमें लॉगिन कर रहे हो, या पेटीएम यूज कर रहे हो, तो लॉगिन करते ही सबसे पहले आपको क्या व्यू आता है, दैट व्यू इज एक्चुअली अ एक्सटर्नल स्कीमा। उसके बाद आता है मेरा कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा का मतलब क्या है कि हम डेटा को किस तरीके से वहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब डेटा की एक्चुअल में स्टोरेज कैसे की हुई है। डेटा जो है मेरा यहां पे पड़ा है, लेकिन उसकी स्ट्रक्चर कैसे है। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पे एक सिंपल सा स्टूडेंट का डेटा है, तो स्टूडेंट के डेटा में कौन कौन से कॉलम्स हैं, लाइक रोल नंबर है, नेम है, एज है, एड्रेस है, बहुत सारे कॉलम्स हो सकते हैं। तो हमें पहले ही ये चीज जो है वो डिफाइन करके रखनी पड़ती है। जब हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं हमें सबसे पहले उसका कॉन्सेप्चुअल व्यू बनाना पड़ता है। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा और कॉन्सेप्चुअल को आप सिंपल से एग्जांपल से समझ सकते हो, ER मॉडल। अगर आपने इस चीज के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ER डायग्राम या ER मॉडल, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। अदरवाइज ये मैं फर्दर वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करूंगा ER मॉडल। यहां पे आप सिर्फ ये समझ लो कि ER मॉडल क्या है, एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है। डेटा एक्चुअल में यहां स्टोर है, लेकिन वो डेटा स्टोर कैसे किया हुआ है, हमने उसको एक टेबल्स की फॉर्म में, जैसे ER मॉडल जो है वो क्या करता है, अलग अलग एंटिटीज बना देता है। ऐसे ही मेरे पास आता है रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल में हम क्या करते हैं, जो हम मेजोरिटी में यूज करते हैं स्ट्रक्चर डेटा के लिए, रिलेशनल मॉडल में हम बनाते हैं टेबल्स। तो कौन कौन से टेबल्स हमने यूज किए हैं, उन टेबल्स की इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट का टेबल, फैकल्टी का टेबल, लाइब्रेरी का टेबल, लाइक बुक्स का टेबल, बहुत सारे टेबल्स जो है वो यूज हो सकते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन यहां पे। उन टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप, रिलेशनशिप मतलब कि हाउ द टेबल्स आर कनेक्टेड। अब स्टूडेंट और मैं अगर बात करूं कोर्स,
स्टूडेंट और कोर्स आपस में कनेक्टेड है ऑब्वियसली. एक टेबल है स्टूडेंट का जिसमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, एक टेबल है कोर्स का जिसमें यूनिवर्सिटी के अंदर सारे कोर्सेज की इंफॉर्मेशन है. क्या स्टूडेंट और कोर्स में आपस में कोई रिलेशन है? ऑब्वियसली स्टूडेंट कोर्स को पढ़ रहा है, तो यस देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स. वो क्या रिलेशनशिप है वो हमें यहाँ पे इस लेवल पे मेंशन करनी पड़ती है. मतलब हम पहले से ही एक कॉन्सेप्चुअल व्यू बना रहे हैं उस डेटा का, एक आप कह सकते हो जैसे ब्लूप्रिंट. घर बनाने से पहले हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं ना, जैसे वो ब्लूप्रिंट जो आर्किटेक्चर से जो बनवाते हैं वो एक्चुअल में कॉन्सेप्चुअल स्कीम है. वो व्यू वो प्रिंट हम किसको दे देते हैं? आगे कॉन्ट्रैक्टर को या बिल्डर को दे देते हैं. वो बिल्डर फिर अपना मटेरियल लेके वो बिल्डिंग जो है स्टार्ट करता है. वही हम यहाँ पे काम कर रहे हैं. ये कॉन्सेप्चुअल स्कीमा क्या है? वो ब्लूप्रिंट है जिसमें हम कौन कौन से टेबल रखने हैं, कौन कौन सी रिलेशनशिप रखनी है, उन टेबल्स का साइज क्या होना चाहिए, एवरीथिंग विल बी मेंशन्ड इन दिस. बट उसके बाद मेन कहानी आती है यहाँ पे कि एक्चुअल में डेटा कहाँ पे स्टोर है. डेटा हमने यहाँ पे स्टोर किया है, उस डेटा को हमने किस फाइल्स किन फाइल्स में स्टोर किया है, उनका साइज क्या है, मतलब जो डेटा एक्चुअल में स्टोर है किस हार्ड डिस्क में स्टोर है, लोकेशन क्या है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ है? फिजिकल स्कीमा के ऊपर. फिजिकल के नाम से ही पता लग रहा है वेयर द डेटा इज एक्चुअली फिजिकली प्रेजेंट. तो यहाँ पे एक्चुअल में कौन होते हैं? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डिसाइड करते हैं इस लेवल पे कि कौन सा डेटा किस पर्टिकुलर लोकेशन में रखना है, किस पर्टिकुलर डिस्क ड्राइव्स पे रखना है, कैसे उसको फ्रेगमेंट करना है, कैसे उसको स्टोर करना है. वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कौन डिसाइड करता है? फिजिकल स्कीमा पे हम डिसाइड करते हैं. तो यानी जो डिजाइनर है, जो नॉर्मल डेटाबेस डिजाइनर है, वो कहाँ पे काम कर रहे हैं? इस लेवल पे. जो इंटरफेस डिजाइनर है, जो फ्रंट एंड पे काम करते हैं, जैसे पीएचपी पे कोई काम कर रहा है तो पीएचपी में फ्रंट एंड पे अगर मैं कोई एक इंटरफेस बना रहा हूँ, या जावा को यूज करके मैं एक सिंपल सा इंटरफेस बना रहा हूँ, या एचटीएमएल को यूज करके मैं इंटरफेस बना रहा हूँ, वो मैं कहाँ पे बैठा हूँ? इस पॉइंट पे. तो यानी एक कंपनी में अगर तीन लेवल पे काम चल रहा है तो जो फ्रंट एंड के लोग हैं जो पीएचपी या जावा को यूज करके एक इंटरफेस बना रहे हैं फ्रंट एंड, वो यहां पे काम कर रहे हैं. दूसरे लेवल पे कौन काम कर रहे हैं? डेटाबेस डिजाइनर, जिन्होंने सिर्फ डिजाइन करना है डेटा को, एक्चुअल में स्टोर नहीं करना, सिर्फ उन्होंने डिजाइन करके दे देना एक ब्लू प्रिंट बना के, ये वाले. और थर्ड लेवल पे कौन है? एक्चुअल में डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? जो पूरे डेटा को एडमिन कर रहा है, जिसके पास पूरा का पूरा कंट्रोल है, वो लोग एक्चुअल में यहां बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि डेटा को किस किस लोकेशन में स्टोर करना है. क्योंकि डेटा को दो तरीके से स्टोर कर सकते हैं, सेंट्रलाइज्ड या डिस्ट्रीब्यूटेड. सेंट्रलाइज्ड मतलब सारा का सारा डेटा एक ही लोकेशन पे पड़ा है, वहीं से डेटा उठा रहे हैं, वहीं पे डेटा को स्टोर कर रहे हैं. डिस्ट्रीब्यूटेड जो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं हम, कि डेटा को एक जगह रखने की बजाय उसको मल्टीपल लोकेशंस में ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज करते, ऑल ओवर द वर्ल्ड हम उस डेटा को रखते हैं. तो वो कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा अलग है. यहाँ पे आप समझ लो कि हमने सेंट्रलाइज रखा हुआ है, तो यानी ये लोग डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ पे डेटा को एक्चुअल में स्टोर करना है, क्या कितनी उनकी फाइल्स क्या है, उन फाइल्स का नेम क्या है. और एक्चुअल में जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे तो फाइल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे टेबल की बात कर रहा हूँ. यही सबसे बड़ी ट्रिक है और यही स्टूडेंट जो है काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं इसी पॉइंट पे. जब हम उस डेटा को देखते हैं, जब मैं उस डेटा को देख रहा हूँ एज ए यूज़र, तो किस फॉर्मेट में देख रहा हूँ? टेबल की फॉर्म में. लेकिन एक्चुअल में डेटाबेस के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर कोई टेबल की फॉर्म में स्टोर नहीं हो रहा. हार्ड डिस्क में तो वो डेटा फाइल्स की फॉर्म में ही स्टोर हो रहा है, लेकिन हमने उसके ऊपर लेयर क्या लगा दी? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की. तो आज के टाइम पे हम इंडियन रेलवे का डेटा अगर देखें तो मेरे को ट्रेन्स की इंफॉर्मेशन कैसे आती है? टेबल की फॉर्म में. ट्रेन का नंबर, ट्रेन का नेम, डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम वगैरह वगैरह सारा पूरा एक टेबल आता है. लेकिन क्या लगता है आपको, हार्ड डिस्क में भी वैसे ही स्टोर है वो? नहीं, हार्ड डिस्क में वो फाइल्स की फॉर्म में स्टोर है एक्चुअल में. लेकिन हमारे को वो शो कैसे होता है? जो व्यू इन्होंने डिसाइड किया हुआ है, जो एडमिन लेवल पे इन्होंने डिसाइड किया हुआ है. तो वही पॉइंट यहाँ पे है. फिजिकल स्कीमा यहाँ पे बताता है डेटा को, व्हाट डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड. तो वो डेटा जो है एक्चुअल डेटा, जो रियल डेटा, वो डेटा जो स्टोर करना है वो किसका काम है? फिजिकल स्कीमा का. तो यहाँ पे डेटा इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट यही है कि यूजर्स जो है, ये सारे जो यूजर्स हैं, इन सबको डायरेक्ट डेटाबेस से कनेक्ट नहीं करवाना. बीच में हमने तीन लेयर्स लगाई हुई हैं. तो ये लेयर्स हेल्प करती हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन में. मतलब यूजर को पता लग रहा है डेटा स्टोर है,
डेटा आ रहा है, कहीं से आ रहा है, बट कहां से आ रहा है, कहां स्टोर है, कैसे आ रहा है, और ये चीज हमें पता भी नहीं लगानी। कभी आपने पूछा किसी से गूगल में या फेसबुक पे? कभी नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हो सकता है क्लाउड को यूज किया हुआ है, क्लाउड कंप्यूटिंग आज के टाइम पे। मुझे कोई टेक्नोलॉजी से का नहीं पता लगाना, मुझे सिर्फ ये पता लगाना कि मेरा डेटा जब मैं चाहूं अवेलेबल हो, जिस टाइम भी मैं डेटाबेस को कॉल करूं अपने, वो मेरी मेल्स जो है वो मेरे को शो होनी चाहिए, तो वो मेरे को शो हो रही है। तो दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर। और इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे मैपिंग का कॉन्सेप्ट, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ कि व्हाट इज एक्चुअली थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर। थैंक यू।